साइलेंस साइलेंस साइलेंस। हमारे इंडिया में पहले मोस्ट एलिजिबल बैचलर विराट कोहली था, पर अगर हमारे विजयवाड़ा में कोई है बिना किसी कंपटीशन के बम्पर मेजॉरिटी के साथ, हमारा आनंद विराट वाकलपुरी। और बताओ तो हमारा आनंद भाई, यहाँ शादी होने जा रही है, प्रमोशन नहीं। जी जी, शादी तो हर जगह एक जैसी होती है, लेकिन हमारे विजयवाड़ा में वो एक प्रमोशन होगी। वो भी किसकी शादी हो रही है? हमारे आनंद की। पूरे दक्षिण में श्रीलंका तक सब इसी की शादी के बारे में बात करेंगे। मैं भी ये सोच रही थी कि हमारा आनंद भी विजयवाड़ा की सारी लड़कियों को छोड़कर हैदराबाद की लड़की से प्यार कर बैठा है। वैसे राइट चॉइस, उस लड़की ने इससे प्यार क्यों किया होगा मैं समझ गई। देख आनंद, शादी होने के बाद उस लड़की को पूरी तरह से विजयवाड़ा की लड़कियों जैसा बनना होगा। क्या रे काइकू रे, इनसे बच के रहना। ये सब नहीं चलेगा। अब हमारे आनंद की दादी जी आनंद के लिए चार शब्द बोलेगी। मैं? माँ बोलिए ना। बेटा आनंद, तुझे याद है क्या, बचपन में हमेशा मुझसे कहानियां सुनता था। कहानी में राजकुमारी के बारे में पूछने पर तुझे एक गुड़िया देकर उसी गुड़िया जैसी राजकुमारी तेरी पत्नी बनेगी ऐसा कहती थी। फिर वो गुड़िया तू किसी को नहीं देता था, बहुत प्यार से संभालता था। अगर एक खिलौने को तू इतना संभालता था तो अपनी पत्नी को कितना प्यार देगा तू। सच में तुझे राजकुमारी जैसी पत्नी मिली है बेटा, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। दादी की बातें बहुत स्वीट और टचिंग थी। दीदी, दूल्हे के बारे में सबने कुछ कहा, आप भी उसके लिए कुछ बोलिए ना। बोलिए ना दीदी, शादी के बाद अक्षरा ने अगर कुछ बोलने नहीं दिया तो वैसे भी हैदराबादी बिरयानी खा के बड़ी हुई है लड़की। बोलिए ना दीदी। आनंद के बारे में बोलूं तो उसके पैदा होने के बाद नहीं, उसके पैदा होने के पहले से प्यार करती हूं। जब वो पेट में था तो डॉक्टर्स ने कहा कि वो पैदा होगा तो मेरी जान को खतरा है, पर मैंने कहा मुझे बेटा ही चाहिए। एक्चुअली आनंद के पैदा होते ही हमारी जिंदगी में ही आनंद आ गया। मेरा दिन इसी से शुरू होता है। उठो आनंद, स्कूल बस आ गई है आनंद, नाश्ता कर लो आनंद, खाना खा लो आनंद, सो जाओ आनंद, आनंद आनंद आनंद, ये नाम ही मेरी जिंदगी बन गया है। आनंद, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज मैरिज। शादी कराने के लिए लोग हजार झूठ बोलते हैं, पता है क्यों? ताकि शादी के बाद झूठ की जगह ही ना रहे। बी ऑनेस्ट विद योर पार्टनर, रिश्ते में सच्चाई का साथ जरूरी है, और वो तो तेरे पास है ही। अक्षरा कभी दुखी नहीं होनी चाहिए, दुखी होगी भी नहीं। ए, शादी के बाद माँ को भूलेगा तो नहीं ना? You guys, माँ की बात सुनकर थोड़ा सेंटी हो गया। आप सब ने मेरे बारे में कितना अच्छा कहा, पर मैंने तो सब झूठ कहा। मुझे लगा अक्षरा मेरी बात मानेगी, वेट करता रहा, झूठ बोलता रहा, अब और नहीं। ये शादी नहीं होगी। La
अक्षर ने इतना टाइम क्यों लगा तुझे? तुझे पता है ना मैं यूएस जा रही हूँ। वैसे आनंद आने वाला था ना, कहाँ है? हे गाइस, सरप्राइज। कहाँ से पकड़ लाया इस लड़के को? मस्त है। ये पक्का लोकल है ना? अरे तू बहुत चालू है रे। चालू याने? वो तुम्हारी तारीफ कर रही है। हाय, आई एम राहुल। नमस्ते, क्या करते हैं आप? फिलहाल तो इसके हस्बैंड होने की ड्यूटी निभा रहा हूँ भाई। क्या है, मैं बताऊँ क्या? तुम में से हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है, समझ नहीं आ रहा। कैसे झेल रहा है राहुल? जेल को झेल रहा हूँ भाई। वैसे कुछ महीनों बाद तुम्हें भी इस जेल को झेलना ही पड़ेगा। अच्छा ये बता, हम दोनों में से सुंदर कौन है? तुम सुंदर हो, ये नशीली है। अरे क्या लाइन मारी यार तूने। शुक्रिया शुक्रिया। अरे टाइम हो गया, तू क्या पिएगी? तुम्हारी मर्जी। वोडका? ओके ओके। ए, नारियल पानी नहीं है जो हाँ कर दी, वाइन पीने वाली थी ना। तू इसे जानता नहीं आनंद, ये ऐसी ही है, ये सिर्फ अपने पैरों पर टिकी रहती है, जबान पर नहीं। ओह। अच्छा तुम लोग क्या पियोगे? मैं क्या पियूंगा? मिरिंडा। तो तुम पेट भर के मिरिंडा पियो, हम जा रहे हैं अपना काम करने। ओके। वोडका। दुनिया में लड़कियां आगे निकल रही हैं सुना था, पर पीने में भी अपने से आगे हैं मेरे भाई। ये क्या सैंपल है क्या? चल बॉटल रख यहाँ। लड़कियों को तो कौन समझाए? I'm sorry, आनंद। कोई बात नहीं, लाइट लो। मैंने लाइट ही लिया था, पर वही ज्यादा चढ़ गया। It's natural। लड़कों का खाना बनाना, लड़की का पीना ट्रेंड हो गया है। मैं ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ। चला हमारे विजयवाड़ा की लड़कियाँ भी कम नहीं है वैसे। से किसी का कंपटीशन नहीं है वैसे। Yes, है तो बात। इसे बहुत चढ़ गई आनंद, इसे ऐसे घर लेके चले गए तो खाना नहीं प्रवचन मिलेंगे। देखो अब हम हमारे घर नहीं नीरजा मासी के घर जा रहे हैं। ओके ना, आनंद को कीज दो। किस दूं? ए, ये सबके सामने नहीं, कीज दो काफी है। चलो चलो। Don't worry, don't worry, bye. वैसे तुमने क्यों नहीं पी? मैं पी लेता तो हमें कौन लेकर जाता? मैं ले जाती। ये सही है। वैसे मुझे पीना हो तो मेरे घर में एकदम फुल स्टॉक रहता है। पीना हो तो पापा के साथ ही, उनका वो गाना गाना, मेरा उनके साथ पीना। आहा, क्या मजा आता है पता है? मुझे भी आ रहा है। क्या आ रहा है? मजा ना? वो खाया था ना मैंने पिज्जा। यू मीन हुआ? हे हे हे, अक्षरा अक्षरा, प्लीज प्लीज प्लीज, कंट्रोल करो, नहीं जाके जाइए। हे हे, फाइल खोलो। माय गॉड। अक्षरा, दिस इज टू मच। अक्षरा तुमसे एक बात कहूँ? जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना, तब से तुम में बहुत चेंजेस हैं, एंड आई लाइक इट। आनंद, मैं वाइन पीना चाहती थी पर वोडका पी गए, दैट्स व्हाई आई गॉट सो ड्रंक। फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। यू गिव मी माय स्पेस, थैंक यू। यू नो व्हाट, I really like you. I really like you. Hey, Hyderabad. तुम विजयवाड़ा को deep love करने लगी हो ना? So what? I really love you. तुम मुझे इतनी किस्मत करो, अगर तुम्हें उल्टी हुई तो उसका reason मुझे समझेंगे लोग। मासी, आज जो इसने पी के तमाशा किया ना, वो छोटा मोटा नहीं था। आनंद को गली गली घुमाया होगा इसने, है ना आनंद? हाँ। वैसे भी वाइन कितना भी पी ले चलता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना। बड़ा वकील बन रहा है यार। हमने वोडका पी है ये पता है मासी को, हम मासी से कुछ नहीं छुपाते। मिर्जा मासी की बहुत रिस्पेक्ट है,
साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, इंडिपेंडेंट लेडी, शादी भी नहीं की। आनंद, पता है अक्षरा ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अपनी माँ से ज्यादा वो मुझसे ही क्लोज रही है। यू आर द राइट चॉइस फॉर हर। मासी, दही है क्या? देखा ना, आते ही पहले ऑमलेट मांगने लग गई, और देखो अब महारानी को दही चाहिए। कब चढ़ी थी, अब उतार रही है। फ्रिज में होगा। अक्षरा शुरू से ऐसी ही है। शी इज अ वेरी पुअर डिसीजन मेकर, इसलिए हम लोग इसे कंफ्यूजन क्यूटी कहकर बुलाते हैं। यू नो, वो एक क्वेश्चन मार्क जैसी है। इससे कभी आंसर्स एक्सपेक्ट मत करना। मैं कौन से रूम में सो, इस रूम में या उस रूम में? मैं और मेरे पति इस रूम में सो जाते, तू उस रूम में सो जा। और मैं? तुम मेरे रूम में सो जा। ओए, ऐसा प्रोग्राम मत रख बहना। तेरे मम्मी पापा जब इसके पेरेंट्स से बात कर लेंगे ना, तब तू जैसा चाहे वैसा प्रोग्राम रख लेना। समझ आया ना? वो तो बस ऐसे ही बोल गई। अच्छा, कवरिंग तो मस्त करते हो तुम। आधी रात को पीकर सड़कों पे घूमने लगी है आपकी बेटी, सुन रहे हैं ना? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, बोलिए। सुहाग रात को दूध के गिलास के बदले बियर गिलास से एंटर करने वाली दुल्हन। वाह, कैसे दिन आ गए। कल जब आपकी बेटी के बारे में पेपर में आएगा तो आराम से बैठकर पेपर पढ़िएगा। आधी रात को घर आती है, आप कुछ पूछेंगे नहीं क्या? लेट आने पर माँ ने गुस्से में आकर बच्ची को डांट दिया और बच्ची अपना घर छोड़कर चली गई। अरे रे 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 रे। आप मुझे धमका रहे हैं? मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, हेडलाइंस। हाँ। माँ, कब से मांग रही हूँ, सर फटा जा रहा है मेरा, कॉफी दे दो ना। कॉफी नहीं बेटा, वोडका ला के देती हूँ ना। बर्फ के बिना तो वो नहीं पिएगी माँ। सुनिए ना, सामने वाली कावेरी को देखिए, वो लड़की कॉफी भी नहीं पीती। वो है, वो सिर्फ कॉकटेल ही पीती है। क्या है, बहुत हंसी आ रही है? नहीं, पेपर पढ़ रहा हूँ, देख तो रही हो। अब आपका हो गया ना? ठीक है। सुनिए, क्या आपने ये सोचा, रात में जो कुछ भी हुआ उस लड़के ने घर पे बता दिया होता तो क्या होता, बताइए। माँ, आनंद ऐसा कुछ नहीं कहेगा, he's a cool guy, बहुत अच्छा है। सुन लिया, बहुत कूल है वो। बहुत कूल है ना, तो जल्दी से उसके घर वालों से बात करके रिश्ता पक्का कर दीजिए, क्या कहते हैं? तो पंडित जी से बात कर लूँ मैं? पहले उसकी फैमिली से बात करिए, मुझे लगता है वो लोग भी हमारे बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। क्या माँ, कुंभिका होगी क्या? गाओ। तेरा फोन बज रहा है। फोन बड़ा आया किशोर कुमार, मुझे लगा हारमोनियम बज रहा है, फोन मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, तुझे कैसे पता चलेगा? मैं लता जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। जी जी, मैं ललिता जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ, बोलिए। बीच में मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? आदत हो गई है ना। मैं हनुमंत राव बोल रहा हूँ जी, हैदराबाद से। हाँ, मैं गोपालपुरी बोल रहा हूँ, विजयवाड़ा से सुन रहा हूँ, बोलिए। अक्षरा के पिता बोल रहे हैं, ये कहिए। अक्षरा का पिता बोल रहा हूँ मैं। अक्षरा के पिता बोल रहे हैं? मैं आनंद का पिता बोल रहा हूँ, बोलिए। सब ठीक है ना? सब अच्छा है जी, भगवान की कृपा है। लता जी ठीक है ना? लता जी तो बहुत खुश है। वैसे आप मेरी पत्नी का नाम कैसे जानते हैं? आपने अभी तो कहा था कि आप लता के हस्बैंड बोल रहे हैं। हाँ, मैंने ही तो बताया था आपको इसका नाम। तुम क्या हड्डियाँ तोड़ोगी क्या? बात तो करो। हड्डियाँ टूट रही है? किसकी टूट रही है, कहाँ पर टूट रही है? क्या बोल रहे हैं? मुझे क्या पता, वो बोल रहे हैं, तुम चुप रहो। हाँ, कुछ नहीं, वो मैं रिंग लाने के लिए बोल रहा था। अच्छा अच्छा, यही बताने के लिए फोन किया था। मंगनी की रस्म अगर हम पूरी कर लेते तो आनंद अक्षरा के बारे में मिलकर हम बात कर ले। आनंद और अक्षरा के बारे में बात करनी है? हाँ जी, बोलिए बोलिए, बात करिए बोलिए। तो फिर हम मिलते हैं। हाँ जरूर जी, जल्द ही। थैंक्स जी, रखता हूँ। अरे मेरी, पर मिलेंगे कहाँ? ये तो पूछा नहीं। तो पूछा क्यों नहीं आपने? अब क्या करूँ? बेटा शादी लायक हो गया, पर आपको अकल नहीं आई। अकल नहीं है माँ? हाँ? क्या मेरे पास अकल नहीं है क्या, ये कह रही है? ओहो ऐसा? हाँ? अकल होती तो काम पूरे करता, अकल नहीं है तो काम अधूरे छोड़ता। घोबरे जैसा बड़ा हो गया है, अकल एकदम बच्चे जैसी। अच्छा, मैं कुछ और ही समझ रहा था। भाई साहब, अब मैं अपनी बेटी की क्या तारीफ। दूध जैसी साफ बच्ची है हमारी अक्षरा। कॉफी भी बना लेती है, कॉम्प्लान भी बना लेती है। मेरे पोते के साथ घर तो बसा लेगी ना मम्मी।
भाई साहब, आपने कॉल करके बात तो शुरू कर दी, वरना हमारे बच्चों की लाइफ में वैलेंटाइन डे तो होता पर मैरिज डे कभी नहीं होता। सही कहा। वैसे बच्चों की शादी के लिए जो फैसले लेने होते हैं उसके लिए तो हम लोग आए ना। यहाँ मजाक ही चलेगा या शादी के बाद भी होगी? वाह, क्या बात कही है माँ। भाई साहब, शादी से याद आया, हाँ। मुहूर्त आप लोग तय करेंगे या फिर हम तय करें? कोई भी तय करे, क्या फर्क पड़ता है, हम सब साथ ही है ना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको बुरा ना लगे। अक्षरा के मुंडन के लिए जब बचपन में विजयवाड़ा की माँ दुर्गा के मंदिर में गए थे, शादी भी वहीं करने की मन्नत मांग ली थी हमने, बस यही एक रिक्वेस्ट है। अरे क्या बात है, विजयवाड़ा में ही सब करना है, तो शादी के मंडप से लेकर सारी तैयारियां मैं खुद देख लूंगा। आप हैप्पीली रिलैक्स हो जाओ अंकल। ओके, सो फॉर अ चेंज लड़के वाले लड़की वालों की अब विदाई करेंगे। विदाई तक तो ठीक है, लेकिन दहेज सामने से नहीं मांगना चाहिए। कैसी बात कर रही हैं आप माता जी। ए मोबाइल सिग्नल, ये क्या सिग्नल है? भाई साहब, आजकल बच्चों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, प्राइवेसी। अक्षरा, आनंद को ऊपर ले जाओ और अपना गार्डन दिखा दो। Whoa, what a garden! तुम्हारे फादर ही है ना इसके वार्डन? Hey, so pretty, so green, so beautiful. आनंद, हाँ? हम जब से मिले हैं तब से अब तक वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला ना? Yeah, I know. हमारी पहली मुलाकात तुम्हें याद है क्या? हाँ, विजयवाड़ा टू हैदराबाद बस में, कैसे भूल सकता हूँ? तुम पर तो मैं उसी दिन फिदा हुआ। मुझ में क्या देखा तुमने? यही देखा कि कौन है ये लड़की भाई, बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। अगर ये घर आ गई तो जिंदगी सवर जाएगी। बस से उतरते ही फोन नंबर मांग लिया था। हे, तुमने दिया ही कहाँ, मेरा नंबर लेकर कॉल करने वाली थी ना। बहुत दिनों तक वेट कराया ना। वेट करता रहा, एट लास्ट कॉल तो आया। वैसे तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा? तुम्हारा केयरिंग नेचर आनंद। थैंक यू आनंद, I have to talk to you. All right, please. अब बोलो। क्या है ना आनंद, मैं एक साड़ी की डिजाइन सेलेक्ट करने के लिए भी बहुत टाइम लेती हूँ, तो ये शादी एंगेजमेंट इतना फास्ट होने लगा है तो मुझे टेंशन हो रही है। शादी के नाम पर हर लड़की को टेंशन होता है, अगर तुम्हें भी है तो इसमें कुछ भी अबनॉर्मल नहीं है। उससे भी बड़ा डिजाइनर एक और है, जो भी होने वाला है वो डिजाइन करता है, हम तो बस कठपुतली है। हेलो राइटर साहब, अपने डायलॉग्स एड्स में इस्तेमाल करना, अक्षरा पर नहीं। ए, एड से याद आया, कलम मंदिर के लिए एक नया एड करने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट राइटर भी मैं हूँ, जिंगल्स भी मैं ही लिखूंगा, कंटेंट जबरदस्त है, सुनो। कलम मंदिर की नई साड़ियाँ, सस्ती टिकाऊ कई साड़ियाँ, शादी के घर में ऑल हैप्पी लेडीज, किड्स और जेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट। स्वागत कर रहा है कलम मंदिर टेक्सटाइल्स, टिक टिक टॉक। शादी के नाम से मेरे तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। रिश्तेदार तो हमारे बहुत हैं, पर काम के वक्त सब पीठ दिखाकर भाग जाते हैं भाभी। बाप रे, शादी कोई छोटी चीज थोड़ी है, ये मंडप, जेवर, साड़ियाँ, कपड़े, मेहमानों की खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ना भाभी। आप टेंशन मत लीजिए भाभी, सब लोग मिलके करेंगे तो सारे काम आराम से हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया भाभी, आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम वैसे ऊपर क्यों आए हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए क्या? हाँ बोलो, क्यों आए? हम विजयवाड़ा के लड़के बहुत रोमांटिक होते हैं, कुछ भी करते हैं बहुत रोमांटिकली करते हैं। आनंद क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानती क्या, माँ कभी भी ऊपर आ सकती है। माँ तो नीचे बहुत बिजी है। बगल के टेरेस से किसी ने देख लिया तो? देखने दो ना, कुछ सीख ही लेंगे। Are you sure? पक्का। आई लव यू बोलने आया था, मैं कहीं भी शुरू नहीं हो जाता। मतलब मैं ऐसा करती हूँ क्या? उस दिन मुआ मुआ करके तीन पप्पी दी और आई लव यू बोला तुमने। कहाँ? उस रात को। मुझे सिर्फ आई लव यू तक याद है। तुम लड़कियाँ कभी मानती नहीं ना? हा?
मुझे तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी लगी। They are so sweet. सब स्वीट बहुत खाते हैं ना, इसलिए सब लोग स्वीट हैं। Listen, मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं लगता तो। समझ गया, बोलो। हमने जो डिसीजन लिया वो सही है ना? किस लिए? शादी के लिए थोड़ा टाइम लेकर, एक दूसरे को थोड़ा और ज्यादा समझकर। हेलो, तुम्हारी नीरजा मासी ने बिल्कुल सही कहा था, तुम पक्का कंफ्यूजन पार्टी हो। देखो अक्षरा, शादी से पहले एक दूसरे के बारे में सब जान लेंगे तो आईपीएल मैच का हाईलाइट देखने जैसा होगा। अगर शादी के बाद जानेंगे तो लाइव मैच की तरह आगे क्या होने वाला है उसका एक्साइटमेंट बना रहेगा। Are you sure? Yeah! Damn! अरे क्या हुआ? आउट हो गया यार। तुम मुझसे बात करते हुए मैच देख रहे हो क्या? हाँ, तो उसमें क्या हुआ? आज इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है। पर वो इंडिया का मैच तो नहीं है ना? देखो अक्षरा, जब हमारे अड़ोसी पड़ोसी लड़ते हैं तो हम कितना इंटरेस्ट से देखते हैं। ये भी वैसा ही है। वो फोर। हे, मैच बहुत बढ़िया चल रहा है, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ ना। ऑलराइट, बाय, सी या। बाय विजय। हाय। हाय, कैसी हो? वेल, सीधा पॉइंट पर आता हूँ, मैं तुमसे सॉरी बोलने आया हूँ। आई नो ये तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग होगा, हम दोनों के बीच जब भी प्रॉब्लम हुई है तुम ही पैचअप करती थी, पर इस बार तुम नहीं आई। मैं बहुत रेस्टलेस हो गया। आई न्यू देर वॉज समथिंग रियली रॉन्ग, कुछ तो मिस हो रहा था। तब मुझे समझ आया मुझे सॉरी बोलना चाहिए। गुड। एक्चुअली मुझे लगा था कि तुम मुझे इग्नोर करोगी या मुझ पर चिल्लाओगी, बट तुम्हारी स्माइल देखकर और तुम्हें इतना कूल देखकर आई एम रियली हैप्पी। सच बताऊं तो उस दिन। लुक विजय, डोंट ट्राई टू कन्विंस मी, लेट्स नॉट डिग इनटू द पास्ट। आई मूव्ड ऑन, मेरी शादी होने वाली है। उसका नाम आनंद है, वो भी विजयवाड़ा से है। अक्षरा, आई नो इट्स माई मिस्टेक, बट हाउ कैन यू डू दिस टू मी? आई एम नॉट आंसरेबल टू यू एनी मोर विजय। सो तुमने शादी के लिए हाँ कह दिया है क्या? डिसीजन बहुत फास्ट नहीं ले लिया? हमेशा सारे डिसीजंस लॉन्ग रन के लिए वर्कआउट नहीं होते हैं, कुछ डिसीजंस फास्ट लेने चाहिए। पता है आनंद में मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? गलती चाहे मेरी साइड से हो, ही नेवर वॉक्स आउट ऑन मी, वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव ऑन, दैट मेक्स सेंस। बाय। बाय। अक्षरा, क्या मैं कभी कॉल कर सकता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो? ऑफ कोर्स विजय, तुम कॉल कर सकते हो। अक्षरा की शादी तय हो गई है, ये सुनकर बहुत खुशी हुई भाभी। हमें अपनी और बच्चों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए, 10-15 दिन पहले सब खत्म करना होगा। हमारे पोते की शादी तय हो गई। लड़की बहुत सुंदर है। अरे मुहूर्त बताते हैं, सबको बताएंगे, इतनी भी जल्दबाजी क्या है? एक बात तो मैं भूल ही गई, हर घंटे लड़के वाले को चाय नाश्ता देना पड़ेगा। आनंद को तो चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं, ओनली कॉफी। कॉफी और चाय तो होती रहेगी, मेहमानों को मिठाइयाँ भी तो देनी होंगी। अरे उन्हें अगर शुगर हुआ तो? मुंह खोलते ही अपशकुन बोलती है, रत्ती भर की अकल नहीं है, कभी तो अच्छा बोला कर, बेअकल कहेंगी। बच्चों और बड़ों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम भी तो चाहिए। और अगर शाम को हार्ड ड्रिंक्स मांगी तो? पहले इसे कमरे में बंद करो। मुहूर्त मंडे का होगा तो अच्छा होगा। सुनिए जी। लेकिन आधी रात का मुहूर्त मत रखना।
अरे वीकेंड होगा तो सही होगा भाई, छुट्टी मिलने में दिक्कत होती है। भैया शादी कम से कम 4 दिन की होनी चाहिए। किसी भी संप्रदाय से हो बस अच्छे से होनी चाहिए। मेन्यू में पापड़ जरूर होना चाहिए। डीजे कौन सा बुक करूँ? मासी आनंद के मेकअप की जिम्मेदारी मेरी है, आप चिंता ना करें। अब क्या कर रहे हैं पापा? घर बनाकर देखो शादी करके देखो कहते हैं। शादी के लिए मेनू डिसाइड कर रहा हूँ। उसमें बटरस्कॉच है क्या? नहीं है पापा। अब क्या करूँ, मैंने तो लिखा था पर कैटरिंग वाले ने कहा कि बच्चों को चॉकलेट ज्यादा पसंद है इसलिए चॉकलेट लिख दिया। पर आपको तो पता है मुझे बटरस्कॉच पसंद है। हाँ अक्षरा, पर वहाँ तुम मेरी बेटी नहीं हो, दुल्हन हो वहाँ। वैसे भी वहाँ मंडप में बैठकर तुम आइसक्रीम खाओगी क्या? शादी करके मंगलसूत्र पहनकर अपने घर चले जाना है और फिर हाँ? ए, क्या हो गया तुम्हें हाँ? पापा शादी के बाद जिंदगी एकदम बदल जाती है क्या? रेस्ट्रिक्शन ज्यादा हो जाएंगे क्या? बताइए। अक्षरा जब तुम छोटी थी तुम्हें याद है, पायल चाहिए कहकर बहुत जिद किया करती थी। कई दुकानों में घूमने के बाद तुम्हें जो पसंद थी वही पायल लेकर आया। वो बहुत मजबूत और वजनदार थी पर तुम्हें वही चाहिए थी। तुम फिर उसे पहनकर घर में इधर उधर घूमती रहती। ये देखकर मैंने यूं ही पूछ लिया, बेटा दर्द तो नहीं हो रहा? तब प्यार से तुमने एक बात कही थी, नहीं पापा ये मजबूत है भारी है पर जब चलती हूं तो इसकी छन छन की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है पापा, इसे मैं पहने रखूंगी। शादी भी वैसी है, थोड़ा डर सा लगता है, थोड़ी दिक्कतें आती हैं, थोड़ा दर्द भी होता है पर आने वाली जो खुशियां होती हैं छोटी मोटी नहीं होती। बेटियां तो पराया धन होती हैं, उन्हें जाना ही पड़ता है। ए, ए, चुप हो जा। ए, क्यों ऐसे बच्चों की तरह रो रही हो? अरे ऐसा लगा किशोर कुमार श्रेया घोषाल साथ गा रहे हैं, जैसा ससुर वैसी बहू। अरे आपने भी कोई कम नहीं गाया, भले ही छोटी सी लाइन थी पर मुझे उसमें ओ, लता मंगेशकर आशा भोसले सुनाई दे रही थी मुझे तो। गाते गाते गाना खाते खाते खाना दोनों खत्म हो जाते हैं। अरे रे मुकेश जी मैंने आपसे थोड़ी कहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अक्षरा मुझे एक डाउट है, इतना पुराना गाना तुम कैसे जानती हो? कैसे? मैं बताता हूँ बहन जी, मैं जब भी टीवी में गाने सुनता था ना इतनी सी थी तब से मेरी गोदी में बैठकर गाने सुनती थी। शादी के बाद ससुर के साथ सुरताल, पति के साथ जागरण। अक्षरा तुम्हें तो मैं बताना भूल गई, अगले महीने हम लोग अपने फार्म हाउस जा रहे हैं। हमारे पुश्तैनी घर, हम हर साल जाते हैं, पहले भगवान की पूजा करते हैं और भोग रखते हैं, फिर फुल एंजॉयमेंट। तुम भी क्यों नहीं चलती? क्या बेटी तुम्हें अपने पिता से परमिशन चाहिए? क्यों भाई तुम अपनी बेटी को इतना दबा के रख रहे? ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं, आप बस ऑर्डर कीजिए, अब से वो मेरे घर की बेटी नहीं आपके घर की बहू समझ। ओके ओके ओके, इस खुशी के मौके पर माँ आप चाय बना दीजिए, पापा आप टीवी ऑन कीजिए और मैं अक्षरा को लाइन में खड़ा करेगा क्या? पापा ये जिंदगी। आनंद वो मेरे लिए? नहीं वेटर के लिए है, जाके दे दो। सॉरी। हे बहुत सुंदर है। मैंने सेलेक्ट किया है। मुझे T20 मैच और टाइटन वॉच बहुत पसंद है। वाओ। हे इधर दो। 2 रेड वेलवेट कपकेक्स, 1 क्लब सैंडविच, दैट्स इट फॉर नाउ। मुझसे नहीं पूछोगे? तुम्हारे डिसाइड करने से लंच कहीं डिनर टाइम में ना बदल जाए इसलिए मैंने ऑर्डर करा। One second. Yes, please. हाँ विजय, मैं तुम्हारा नंबर क्यों डिलीट करूंगी? मैंने कहा ना वी आर फ्रेंड्स, अब बोलो।
सॉरी। सॉरी मुझे बोलना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, तुम फोन पर थी तो मैंने स्टार्ट कर दिया। हाँ वेट, कैसी है? हाँ हाँ बहुत अच्छा है। एनी प्रॉब्लम? नथिंग। विजय का कॉल आया था ना, शॉक लगा ना। यू नो व्हाट, होने वाला पति सामने और साइड में जाकर बात कर रही हो तो पक्का उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही होगा। इस दुनिया में बिना धर्म का इंसान होगा लेकिन बिना पास्ट का नहीं। तुम दिन ब दिन डिफरेंट लगने लगे हो। विजय भी बहुत डिफरेंट इंसान था, इनफैक्ट थोड़ा मेंटल भी था। ऐसा क्या हुआ? अरे पूछ रहा था, नंबर डिलीट कर दिया क्या? ही इज मैड। इसमें क्या हुआ, भार्गवी का नंबर अब भी मेरे पास है। बताया था ना कॉलेज लव, उनके साथ फ्रेंडली रहना गलत थोड़ी ना है। वैसे उसने कॉल क्यों किया था? बेसिकली वो भी विजयवाड़ा से है। विजयवाड़ा और हैदराबाद दोनों में ही उसके बुटीक के ब्रांचेस हैं। कुछ साड़ी डिजाइन्स में मुझे हेल्प करने के लिए कह रहा था। हाउ कैन आई? इट्स ओके, तुम दोनों ने इससे पहले भी एक साथ काम किया था ना, दोबारा करोगे तो क्या जाएगा? तुम्हें चलेगा? तुम्हारी चॉइस है, कहाँ काम करना चाहती हो, किसके साथ करना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी। आर यू श्योर? तुम पी कर गिर सकती हो ये मुझे यकीन है, पर दोबारा उसके प्यार में गिरने का चांस ही नहीं है। बेसिकली इस आनंद के पास ही एक मैजिक है और उसमें से कोई बाहर नहीं जा सकता। बुम बुम बुम। तुम्हें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है ना? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओन हर कॉन्फिडेंस। मतलब? ओन हर कॉन्फिडेंस, वो मेरी है ये कॉन्फिडेंस। जो अपने आप पर भरोसा करता है वो दूसरे पर भी करता है, किसी बड़े आदमी ने कहा था। कौन? मैंने। ये तो पक्का तुम्हारे विजयवाड़ा की स्मार्टनेस है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। यस सर, शो शो। थैंक यू। दे जस्ट लव योर डिजाइन्स। गुड। रियली अक्षरा, मैंने इन सबको कितना मिस किया जानती हो? मैं सिर्फ वर्टिकल डिजाइन्स को ही अच्छा समझता था, हॉरिजॉन्टल सजेस्ट किया तुमने और टॉप के ऊपर पर्स लगाने का आइडिया भी तुम्हारा ही था। अमेजिंग। क्लाइंट को तुम्हारा डिजाइनिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा। अब समझ आया उन लोगों ने सिर्फ तुम्हारे डिजाइन ही क्यों मांगे। तुम्हें सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, वरना हमारा बुटीक तो न जाने कहाँ होता। ओ अच्छा, तो इस वजह से तुमने सॉरी बोला था? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ओके एनीवे मुझे जाना होगा, आनंद हैदराबाद आ रहा है। ओ सो माँ ने उसे डिनर पे इनवाइट किया है, बहुत ज्यादा पसंद करती है उसे। मुझे जल्दी घर जाकर रसमलाई बनाना सीखना है, आनंद की फेवरेट डेजर्ट है। सो अब तुम हमारे विजयवाड़ा की लड़की बनने जा रही हो? ठीक है मैं चलती हूँ। अक्षरा, फर्स्ट लव इज द मोस्ट मेमोरेबल कहते हैं, इनकेस तुम्हारी शादी फिक्स नहीं होती तो, अगर मैं सॉरी बोलता तो? क्या तुम मुझे दोबारा कंसीडर करती? दीदी खीर तो बहुत ही टेस्टी है। आनंद होता तो और भी मजा आता। एक काम करें क्या, अगर कल कोई विजयवाड़ा जा रहा है तो उनके हाथ भिजवा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, रसमलाई तो क्या पानी भी देने की जरूरत नहीं है। कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं आता तुझे? तो क्या हुआ माँ, कल सारे काम को साइड में रखकर मैंने उसके लिए रसमलाई बना के रखी थी और उसने फोन पे आना कैंसिल कर दिया। सुबह से तुझे कॉल कर रहा है, तेरा ही नंबर नॉट रीचेबल था। हाँ हाँ ये आया एक और झूठ, मुझे कॉल करता तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी इसलिए उसने आपको कॉल किया। देखो अब उसका एक भी कॉल आया तो मैं तो बात नहीं करने वाली। ऐसी बात नहीं करते हैं बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते तो तू पैदा नहीं होती और आज नाराज भी नहीं होती। आज की लड़कियों को बिल्कुल अकल नहीं है, ये और इनके कंफ्यूजन्स। देखो ना मासी कैसे उसकी साइड ले रही है। मासी ये लड़के ना लड़कियों को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। शादी तो फिक्स हो गई ना, अब मैं खुद उसके पीछे भागूंगी ये उसको भरोसा है। आनंद भी ना बाकी लड़कों जैसा निकला। अरे वो मुझे फोन नहीं करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा ये उसे पता नहीं क्या, तब भी उसने माँ को फोन कर दिया। क्यों?
मुझे कॉल करेगा तो मैं घंटे बाद बात करूंगी, इस बात का डर लगता है उसे। अरे जाने देना, आनंद ने तो तुझे कॉल किया था, तेरा ही फोन नहीं लग रहा था, बेचारा, उसकी क्या गलती है बता। अरे मासी, ये बातें लड़के अपनी बातों को कवर करने के लिए कहते हैं। मेरा फोन दिन भर रिंग पर ही था, बहुत काम था मुझे, चाहो तो विजय से पूछ लो। दीदी बता रही थी कि तू दोबारा विजय के साथ मिलकर काम कर रही है। तो क्या आनंद इस बारे में जानता है? हाँ जानता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ अच्छी बात है। मासी सरप्राइज तो ये है कि विजय ने मुझे सॉरी बोला। तो क्या विजय, उसने सॉरी बोला, अभी तक उसने अपनी लाइफ में किसी को भी सॉरी नहीं बोला है। अपनी गलती कभी न मानने वाला विजय आंखों में आंसू लेकर सॉरी बोल रहा था मासी। तो जाकर पेपर में छपवा दे। ऐसा क्यों? इट्स टू लेट, इतना कुछ होने के बाद सॉरी बोलना या ना बोलने का कोई मतलब नहीं। इट्स टू लेट, समझ गई ना अक्षरा? अक्षरा, आनंद को तू पसंद तो करती है ना? अब आनंद की छोटी सी गलती पर उस पर गुस्सा मत हो जाना, ओके? आज विजय ने मुझसे एक बात पूछी मासी, अगर तुम्हारी आज शादी फिक्स नहीं होती तो तुम मुझसे शादी करती क्या? तू एक्सेप्ट नहीं करेगी ना अक्षरा, तुम दोनों अलग हो गए थे, तेरे उसके साथ हैप्पी मोमेंट्स बहुत कम थे और झगड़े ज्यादा होते थे। पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को खराब मत कर, फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। आनंद बहुत ही अच्छा लड़का है, ऐसी फैमिली आजकल मिलती कहाँ है अक्षरा? डोंट बी कंफ्यूज्ड अक्षरा। अच्छे से खाना। वाह, मछली का सालन बहुत अच्छा बना है। अगर वो भी यहाँ होता तो। कौन अंकल, आपके दोस्त हैं क्या? हाँ अक्षरा, मेरा बेस्ट फ्रेंड डॉनी लॉकर। अक्षरा तुम्हें दूँ? नहीं 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 अंकल। तुम्हें ये ब्रांड पसंद नहीं? नरेश। ओहो, विस्की नहीं, ये तो वोडका वाली है। क्या बेटी? नहीं अंकल, बस यूं ही। उस दिन हैदराबाद पद में दोस्तों से मिलने के लिए वाइन पीने गई थी, पर दोस्तों से मिलने के बाद रपा रप 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 वोडका के शॉट मारती गई और उसके बाद। स्टॉप इट आनंद, नहीं अंकल, ये बस मजाक कर रहे हैं। नहीं अंकल, he's just joking। आनंद स्टॉप, इन्हें देखकर लगता है मंडप से पहले मैटरनिटी वार्ड जाना पड़ेगा। आनंद स्टॉप। मम्मी, हंसना बेटा, जितना हंसना है शादी के बाद। बिल्कुल सही कहा भाई साहब। अब तो अभी शुरू हो गया। Me
अरे यार दीदी। बोलो। मैथ्स में मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना। तेजू कल मुझे वेडिंग कार्ड सेलेक्ट करने के लिए विजयवाड़ा जाना है। यार दीदी परसों चले जाना प्लीज। मैंने ऑलरेडी टिकट बुक कर ली है। सो अब आपको बहन से ज्यादा शादी इम्पोर्टेंट है। सही कहते हैं लोग, नए रिश्ते जुड़ने के बाद ना लोग ना पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं। अपने सड़े हुए एग्जाम्पल्स अपने पास ही रख। वैसे नेक्स्ट ईयर मैं यहाँ होंगी नहीं तो तू क्या करेगी? तू पढ़ाई कर, मैं आनंद से बात करके आती हूँ। हाय आनंद, क्या कर रहे हो? ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ। कौन से कलर की शर्ट लूँ ये सोच रहा था। तुम्हारे ऊपर ब्लू शर्ट बहुत अच्छी लगेगी। आई थिंक यू आर राइट। लाइट रेड होगा तो और भी अच्छा लगेगा। इनफैक्ट व्हाइट भी तुम पर बहुत सूट करेगा। मैं तो अपनी शॉपिंग कर लूंगा, लेकिन तुम बताओ व्हाट्स अप? कल तुम मुझे 9 बजे पिकअप करोगे क्या? हम हैदराबाद में रहते तो कैसे पिक कर सकता हूँ? बाबू विजयवाड़ा, कल मैं तुम्हारे गाँव आ रही हूँ। क्यों? सीएम के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए। ये बुद्धू, कल हम वेडिंग कार्ड सेलेक्ट करने वाले थे ना। अक्षरा लिसन, आई एम जेन्युइनली सॉरी। एक्चुअली मैं कल वाइजैग जा रहा हूँ। सेमीफाइनल मैच है, सनराइजर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। टिकट्स बहुत मुश्किल से मिले हैं। आई एम रियली सॉरी। पर मैंने ऑलरेडी टिकट्स बुक कर लिए हैं। हाँ उस टिकट का क्या, ये मैच फिर से नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट मैच। प्लीज अंडरस्टैंड। इट्स ओके। सो स्वीट, थैंक यू सो मच अक्षरा, लव यू। हे तुम भी कहो ना। बाय। फीलिंग शाय? सो स्वीट। तेजू तुझे डाउट्स क्लियर करने थे ना, यहाँ आ जा। क्यों दीदी, जीजू से रोमांस हो गया? आईपीएल मैच है, सनराइजर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। क्या हुआ, आप नाराज हो गई? मैच के चक्कर में वो अपना वेडिंग कार्ड सेलेक्ट करने की बात भी भूल गया। आपने फिर भी कुछ कहा क्यों नहीं? दीदी आप ना बहुत बदल गए हो। अगर वही विजय होता तो अब तक तो फोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते। बट आपने जीजू को कुछ भी नहीं कहा। आई थिंक शादी के बाद गर्ल्स हैव टू चेंज। सही कहा ना दीदी? गुड नाइट। Nice. Very nice. Thank you. Correct time पर कॉल करके बुलाया, वरना मैं अब तक हाईवे पर होता। I was just about to leave. Okay. वैसे इतना अर्जेंट क्यों मिलना था? Anything specific? कुछ नहीं, just like that. तुम्हें अपनी engagement की photos भी तो दिखानी थी ना। तुम बहुत सुंदर हो। Thanks. Compliment हाँ? इससे पहले तुमने मेरी तारीफ कभी नहीं की। इसीलिए दूर चली गई। देखो विजय, पहले जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तो मैं थोड़ा हेसिटेट कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट। आफ्टर दैट आई स्लोली स्टार्टेड लाइकिंग यू। हमारे पेरेंट्स से भी बात करके मैंने मना लिया था। आई नो आई मेड अ मिस्टेक। वो मिस्टेक थी? आधी रात को सुनसान सड़क पर तुम मुझे अकेले छोड़ के चले गए थे। वो तो बिजनेस फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकल गया, तुम ही कार रोकने के लिए चिल्ला रही थी। हाँ और उसके बाद मुझे अकेले छोड़ के चले गए थे ना। मैं क्या करता अक्षरा, तुम गुस्से में थी, कार रोकने के लिए कहा, रोक दी, उतरकर बाय बोल कर चली गई। I too was in a bad mood. मैंने भी नहीं रोका। Thanks, मुझे ना रोकने के लिए। उस दिन से ही मैंने किसी और पर इमोशनली डिपेंडेंट होना छोड़ दिया, हमेशा के लिए। बट अक्षरा एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज। 1 मिनट। हेलो आनंद। हाँ बोलो। ओके कब? कल ही ना। श्योर श्योर, वंस आई रीच। हाँ मैं पहुंचते ही तुम्हें कॉल करती हूँ। या नो प्रॉब्लम।
ए, चल कपड़े फोल्ड कर। ये रख ले आनंद के लिए बेसन के लड्डू, याद से रख लेना, उसे बहुत पसंद आएंगे। आपके पेटू दामाद को कुछ भी खिला लो, वो कोई बकासुर से कम है। अरे चुप कर, ये क्या है, आनंद के बारे में कुछ भी बोलती रहती है। क्या हुआ, आज यहाँ मीटिंग क्यों रखी है? देखिए पापा, आपकी बीवी आपसे ज्यादा आनंद को पसंद करने लगी है। अरे वो दामाद है ना, अगर उसको खुश रखेंगे तो वो तुम्हें खुश रखेगा, इसलिए। तू इतना अर्जेंट में क्यों जा रही है, तुझे बुखार भी तो था ना। ये उनकी शादी के पहले दिन के लिए है, उन्हें अभी खुश रहने दो, बाद में सिर्फ मेमोरीज, उसके बाद तो यही सब। फिलहाल तो आपको वॉकिंग पे जाना है, जाइए। अक्षरा के लिए वेट कर रहा हूँ, चला जाऊँ? आप चले जाइए पापा, कल जल्दी निकलना है ना, मैं जल्दी सो जाऊंगी। पक्का ना? सुन लिया ना, चलते जो हम लोग चलते हैं। ब्रिटिशर्स देश छोड़कर चले गए ऐसा लोगों को लगता है, पर बीवियों के रूप में यही घूम रहे हैं वो सब। चलो बेटा, बड़े भाई ये फ्रीडम फाइटर तेजो, एग्जाम अच्छे से लिखना, मैं कॉल करूंगी। हाँ हाँ ठीक है। तूने चार्जर ले लिया ना, इसे भी रख। गुड, वहां पहुंचते ही मुझे मैसेज करना। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? मैं नहीं करूंगी तो आप तो जरूर कॉल करोगी ना मम्मा। बेटी पहुंच गई क्या, सब ठीक है ना? ये छोटा छोटा प्यार कितना सुंदर होता है ना माँ, कहाँ हो, किसके साथ हो, खाना खाया क्या, घर कब आओगी, ऐसे मुझे कई बार मैसेज किया है ना आपने, पर मैंने कभी आपका रिप्लाई ही नहीं दिया। आई एम सॉरी माँ। क्या बोल रही है, शादी के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा ना माँ, मुझे ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, बाहर से प्लीज ऑमलेट लेके आ जाओ ना, पापा से झगड़ कर रिमोट छीन कर टीवी नहीं देख सकती, जब मर्जी बिस्तर पे घंटों सोए रहना, जैसे चाहे वैसे रूठे रहना, ये सब अब नहीं हो पाएगा ना माँ। सास ससुर चाहे जितना प्यार दे दें, वो माँ पापा की जगह नहीं ले सकते माँ। यहाँ मैं बिल्कुल अपने मन के हिसाब से रहती हूँ माँ, वहां उनके हिसाब से रहना पड़ेगा। जब वहां होंगी तो तुम मैसेज करोगी ना, अक्षरा क्या सब ठीक है वहां, तब मैं रिप्लाई जरूर करूंगी माँ। I'll miss you, Mom. हेलो आनंद, मैं पहुंच गई, कहाँ हो तुम? तुम पहुंच भी गई? या तुम आ रहे हो ना मुझे पिक करने के लिए? या आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तुम सीधा हमारे घर चले जाओ ना। तुम्हारा घर गांव के उस तरफ है, पहले आके मुझे पिक कर लो ना। आ रहा हूँ ना, आई विल बी देयर। अच्छा लिसन, तुम पहुँचने से पहले मुझे मिस कॉल करना। ओके 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 बाय ब्रो। थर्ड लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, बेस बढ़ा दे। हेलो तेजू, एग्जाम कैसा रहे तेरा? बढ़िया, ओह वेरी नाइस। अच्छा ठीक है, आते वक्त मैं विजयवाड़ा के सारे फेमस स्वीट्स लेकर आऊंगी, ठीक है ना? पहले मुझे आनंद से मिलने दे, वो अभी मुझे पिक करने के लिए आ रहा है, मैं बाद में बात करूं। बाय। गाइस, अपना ट्यून तो बढ़िया है, पर थर्ड लाइन में मजा नहीं आ रहा। हमारा ऐड क्या है? एक लड़की एक लड़के के लिए वेट कर रही है, वो लड़की बहुत ईगरली वेट कर रही है, बॉयफ्रेंड का वेट करते हुए ऑक्सो मिनरल वाटर से अपनी प्यास बुझाएगी। वो प्यास बुझने वाला जो मूड है ना, ट्यूनर का इफेक्ट चाहिए उसमें। गाइस वन सेकंड, जस्ट अ कॉल। हेलो, कहाँ हो, आ रहे हो कि नहीं, भूल गए क्या? 10 मिनट्स बस, निकल रहा हूँ। अभी तक निकले भी नहीं हो तुम? ओके 10 मिनट्स, मैं आ रहा हूँ। आनंद, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो बता दो, मैं वापस चली जाऊंगी। हे, ये क्या बात हुई अपसेट होने के लिए? आनंद, मैं अपने सारे कामों को साइड में रखकर यहाँ आई हूँ, और तुम हर चीज को लाइटली ले लेते हो, हर वक्त कोई ना कोई रीजन रहता है। नहीं बाबा, जस्ट फ्यू मिनट्स। ऐसा करो, तुम ही आ जाओ ना, तुम्हारे आने तक मेरा काम भी खत्म हो जाएगा। और तुम बस स्टॉप के पास हो ना, और मेरी जगह तो बाबा होटल के पास है, ज्यादा दूर भी नहीं है। आनंद, मुझे नहीं पता ये बाबा होटल कहाँ है। इतने कॉम्प्लिकेशंस किस लिए, हैप्पीली ऑटो लो, 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाओ। बाबा होटल पहुँचते ही उसी रूट पर स्ट्रेट जाते हुए लेना, सेकंड लेफ्ट, नो नो एक्चुअली थर्ड लेफ्ट, समझ गई ना, उस सड़क के पास पहुँचते ही मुझे कॉल करना, मैं पहुँच जाऊंगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो,
आनंद। हे सॉरी 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 रियली सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, लेट हो गया, बहुत ट्राई किया, टू मच ऑफ वर्क, अर्जेंटली एक ट्यून डिलीवर करनी थी इसलिए लेट हो गया, थैंक्स मेरा वेट करने के लिए। मैं चलता हूँ। हाय आई एम आनंद। विजय। ओह विजय वंडरफुल, अरे जब ये तुम्हारे साथ ही था तो क्या प्रॉब्लम थी? बुलाया तुम्हें था, तुम नहीं आए तो। ओह या ये भी विजयवाड़ा से है ना? अक्षरा ने बताया था तुम भी विजयवाड़ा के हो। गुड गुड गुड, क्यों ना हम तीनों मिलके लंच करने चलते हैं? नो थैंक्स, मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, आई गॉट टू गो। वैसे भी तुम हो ना। हाँ। मैं चलता हूँ अक्षरा। थैंक्स बाय। तुम रुको विजय। क्या हुआ अक्षरा, क्यों इतना गुस्सा? मैंने बताया था ना अर्जेंट काम था इसलिए लेट हो गया, यकीन करो मेरा। कमान यार अक्षरा, कभी कभी हम काम में अटक जाते हैं इतनी सी बात पर। इट्स नॉट अ बिग डील। इट इज अ बिग डील आनंद, तुमने मुझे वेट कराया और सिर्फ एक सॉरी बोल रहे हो, दैट्स इट, इतना ही ना? मुझे यहाँ आकर तुमसे मिलने के लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। मैं हर रात पापा और तेजू के साथ वॉक करने के लिए जाती हूँ, पर कल रात मैं नहीं गई क्योंकि आज मुझे जल्दी उठना था और उठकर मुझे तुमसे मिलने के लिए यहाँ आना था। यहाँ आने के लिए मैं सब कुछ साइड में रखकर आई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी तुमने बुलाया तो मैं आई। आई ट्रैवल्ड अ लॉट, नॉट जस्ट फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। और तुम अब क्या बोल रहे हो? What is a big deal कहा ना तुमने? It is a big deal, damn it. मैंने अपनी सारी प्रायोरिटीज चेंज कर दी हमारी शादी के लिए और तुम? अरे come on अक्षरा, बताया ना लेट हो गया, मैं मानता हूँ, सॉरी कहा ना मैंने, आई एम रियली सॉरी। चलो सब मिलकर लंच करने चलते हैं, इट्स ओके। नो आनंद, इट इज नॉट ओके, इट्स जस्ट नॉट ओके। जो भी हो रहा है मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तुम मुझे पहली बार मिले आनंद जैसे नहीं लग रहे हो। तुम्हें याद है मैं जब विजयवाड़ा आई थी तो अपने अंकल के घर के एड्रेस को लेकर कंफ्यूज हुई थी, तब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हारे नंबर पर कॉल किया था। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में तुम मेरे पास पहुंच गए थे। तुम मुझे मेरे अंकल के घर ड्रॉप करके चले गए। उसके बाद से हम जब भी मिले, जिस तरह तुमने अटेंशन दी, जितना मुझे प्यार दिया, मुझे जैसा रिस्पॉन्स दिया, मेरे लो रहने पर तुम कितने रेस्टलेस होते थे। मैं लेट करती थी तो तुम मेरे लिए कितना ईगरली वेट करते थे आनंद, वो सब कुछ क्यों बदल गया? उसके बाद मैं विजयवाड़ा आना चाहती थी तो तुम्हें मैच जाना था, मुझे मना किया और अब मुझे रोड पर खड़ा कर दिया। वाई आनंद वाई? रुको विजय, इसे तुम्हें भी सुनना चाहिए। ये भी पहले तुम्हारे जैसा बिहेव करता था, पहले इसने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया और बाद में सब कुछ बदल गया। तुम्हारे में और इसमें डिफरेंस क्या है? तुम सारे के सारे लड़के सब एक जैसे होते हो क्या? पहले केयर दिखाते हो फिर ग्रांटेड लेते हो। हमारे कंफर्म करते ही तुम इतना क्यों बदल जाते हो? आंसर मी आनंद। विजय बदल गया और इसलिए मैं उससे दूर हो गई और अब तुम में भी वही चेंजेस देख रही हूँ। कल शादी के बाद तुम और भी ज्यादा बदल गए तो मैं क्या करूंगी? शादी हो गई तो जैसे भी रहो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। एक बार शादी हो गई तो उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मैं अपने मन की बात भी नहीं कह पाऊंगी। डू यू अंडरस्टैंड? विजय जब वापस आया तो आई हैव मूव्ड ऑन कहा था। डू यू थिंक आई शुड मूव ऑन आनंद? विजय ने जब सॉरी कहा तो नीरजा मासी ने एक बात कही थी, इट्स टू लेट अक्षरा। इज इट टू लेट आनंद? बोलो आनंद, इट्स स्टिल नॉट लेट, बोलो। आखिर में मेरी खुशी किसके साथ होगी ये डिसाइड करने का चॉइस मेरा है, बोलो आनंद। मैं किसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ वो पूरी तरह मेरे ही हाथ में है, ये बोलो। अभी भी मैं अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकती हूँ, ये बोलो आनंद, प्लीज बोल दो आनंद। हाँ अक्षरा, तुम ही सही हो।
डिसीजन तुम्हें ही लेना है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम किसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती हो वो भी तुम्हारे हाथ में ही है। हम दोनों की शादी से ज्यादा तुम्हारी खुशी ही इंपॉर्टेंट है अक्षरा। अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट है तो हम यहीं रोक देते हैं। लगता है गाना इसे अच्छा नहीं लगा, कुछ और गाता हूं। कल थी यही आज नहीं, क्या फिर कभी मुलाकात हुई, मैंने तुम्हें प्यार। रुक रुक गाने गा रहे हो पापा? क्या हुआ? मेरी सिचुएशन पर गा रहे हो क्या? हुआ क्या है? बादलों के बिना बिजली गिरती है क्या? नहीं गिरती, पर यहां पर गिर गई। तू जल्दबाजी कर रही है अक्षरा। नहीं, मैंने ठीक ही किया। आखिर तेरा प्रॉब्लम क्या है? तू सोच क्या रही है? मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है मासी। कुछ सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। अगर एक बार सात फेरे ले लिए तो फिर अपने कदम पीछे नहीं ले पाऊंगी। शादी के बाद उनके घर में टीवी, फ्रिज, कबर्ड जैसा कोई फर्नीचर बन के तो नहीं रहना चाहिए ना। वैसे भी लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने के लिए मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ तो गलत कर रही हूँ क्या? तो ये हुआ था पापा। अगर बारिश के कारण मैच डिले होता है तो हम वेट नहीं करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? मैं वहां पहुंचने में थोड़ा सा क्या लेट हो गया? इतनी सी बात के लिए मैं बदल गया? पहले जैसा नहीं रहा। अब उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए बोली। फिर भी गेम बीच में छोड़कर जाना चीटिंग होती है ना पापा। ए, तो उनको समझता क्या है? लड़कियां है ना, उनको हैंडल करना हो तो मैंने प्यार किया मूवी में जितना सलमान को पेशेंस था उतना तुझे होना चाहिए, तब प्यार में पड़ेगी। ऑलरेडी मेरे प्यार में थी, पर अब क्या करूं? अब अगर जमीन खोदने के बाद भी अगर पानी नहीं निकला तो क्या करना चाहिए? दूसरी जमीन पर खुदाई करनी चाहिए। सुनो, तुम लड़कों के प्यार में यही प्रॉब्लम है, तुम लोग ठीक से जजमेंट नहीं करते हो, हर बॉल पे सिक्स मारना चाहते हो। कुछ छोड़ देना चाहिए, कुछ डिफेंड करना चाहिए, वरना आउट हो जाओगे बेटा। इन लड़कियों के साथ आराम से सिंगल लेते हुए करेक्ट टाइम आने पर सिक्स मारना चाहिए, और देखो गेम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। समझ रहा है ना मेरी बात? समझ गया पापा। तेरे समझने को नहीं, अक्षरा को समझना चाहिए। क्यों? मेरा दोस्त कहाँ चला गया? ये गिलास वहां कैसे पहुंचा? मैंने एक छोटा सा सिप मार लिया। चीयर्स। तेजू पूरी रात में सो नहीं पाई, सोने देना। तेजू यार गुस्सा आ रहा है, सोने देना तेजू। तू कब आई यूएसए? मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। मेरे बिना तू शादी कैसे कर लेती? आ जा बैठ जा। हाँ और बता, राहुल भी आया क्या? हाँ यार, राहुल के बाद साइड में रख। तू बता ना यार, तुझे रात में नींद नहीं आई? कल रात आनंद यहाँ आया था क्या? ए रूम में नहीं, सपने में। वैसे तू ऐसी कैसी हो गई? लड़की जैसी लगी नहीं रही, जैसे किसी चिड़िया की तबीयत खराब हो। दुल्हन बन रही है, खुश रहना चाहिए। शादी के बाद ऐसी पड़ी रही तो घर से बाहर निकाल देंगे। चल हम बाद में गप्पे मारेंगे, अभी जाके रेडी हो जा। वैसे अंकल आपको पौधे इतने क्यों पसंद है? क्योंकि हम उन्हें बस मुट्ठी भर पानी देते हैं और वो हमें जिंदा रखते हैं। कुछ समय पहले तक इंसान पेड़ की छांव में रहता था। लेट्स प्लांट ट्रीज, लेट्स सेव ट्रीज बोलने से कुछ नहीं होता है। यस अंकल, हमें इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। सही कहा अंकल। इस बात से अनजान बहुत सारे लोग घर में कुत्ता पाल रहे हैं लेकिन पेड़ पौधे नहीं। इसलिए अपनी माँ से हमेशा कहता हूँ पौधों को घर के सदस्य जैसा देखना चाहिए। माँ बिल्कुल। हाय आंटी। ये क्या आनंद से काम करा रहे हो? अब तुमसे तो नहीं करवा सकते ना। हाँ ये क्या? कांदा पोहा। मतलब मैं यहाँ पौधों को खाना खिला रहा हूँ, तुम मुझे नहीं खिला सकते? आपके लिए अंदर रखे हैं बेटा, ये खा ले। आंटी आप ही खिला दो ना। वाह 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 वाह, फैंटास्टिक। आपके जैसा तो आपका पोहा भी सुपर है। क्या लो आनंद, सास ससुर को मस्त मस्का लगा रहे हो ना। अब तक कौवा चिल्ला रहा था तो मुझे लगा घर में मेहमान आएगा,
वो तुम थी क्या? ये ले लव, तू खिला, मैं कॉफी लेके आती हूँ। कमॉन कमॉन कमॉन, बहुत टेस्टी है। ये वाली पत्नी से ये सब कराना चाहिए ना, हमें ये तकलीफ क्यों? अरे अरे, आनंद इस घर का दामाद है, हम इसकी सेवा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आपने सही कहा नीरज आंटी, ये है हमारा लेवल। यस, खिलाओ खिलाओ। जीजू, मेरी ड्रेस कैसी है? डेरी मिल्क ने ड्रेस पहनी, ऐसा लग रहा है। थैंक यू। वो देना जरा। आनंद। तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं तो वहीं था, तुम ही लेकर आई। मतलब तुम मेरे घर क्यों आ गए? साड़ियाँ लेनी है, बैंगल्स लेनी है। तुम्हारे लिए? मजाक कर रही हो, तुम्हारे लिए? तुम तो बड़ी कंफ्यूजन पार्टी हो ना, इसलिए सिलेक्शन में हेल्प करने के लिए मैं खुद आ गया। आनंद, मुझे डिसाइड करने के लिए टाइम चाहिए, मैंने कहा था ना। ओके ओके, इसी बात को अंकल आंटी से बोल दो। तुम पागल हो क्या? ओके, मैं खुद ही बोल दूंगा। अंकल आंटी, झगड़े हो जाएंगे। क्यों होंगे? जैसे मुझे कन्विंस किया वैसे उन्हें भी कर दो। ए, देखा ना, तुम उनसे नहीं बोल पा रहे हो, यानी मुझसे कितना प्यार करती हो, समझ आया? तुम्हारा माइंड नो बोल रहा है, तुम्हारा हार्ट होल्ड ऑन बोल रहा है। ब्रेन हमेशा कंफ्यूज्ड होता है अक्षरा, तुम अपने हार्ट से सोचो। तब तक मैं दूल्हा बनकर अपनी लाइफ एंजॉय करता रहूंगा। कंफ्यूजन तुम्हारी है, मेरी क्लैरिटी मेरी है। मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या तू अभी तक रेडी नहीं हुई? आनंद आ गया है। वो आ गया तो उसके लिए अब रेडी होके बैठना पड़ेगा। कैसे बातें कर रही है? वो तो तुझे बाहर घुमाने ले जाने के लिए आया है ना। मासी, वो क्यों आया पता भी है आपको? आप सबको इम्प्रेस करने के लिए आया है। बुद्धू कहेंगी, वो अपनी मर्जी से नहीं आया, तेरी माँ के बुलाने से आया है। अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ और जाकर पहले तैयार हो जा। ए, मैं बोर हो रही हूँ, कुछ बात करो। बाहर चले क्या? ए, तुम भी ना, जैसे न्यूज़ वाले एक ही टॉपिक को 100 बार बताते हैं वैसे बोल रहे हो। इस टॉपिक को तुम कब छोड़ोगे? ओके ओके, हम दोनों मिलकर एक छोटा सा गेम खेलें क्या? क्या गेम? हमारी शादी के बाद। अरे, ये भी वही टॉपिक है। हे हे, कूल, बोला ना गेम है, रिलैक्स, चिल। हमारी शादी हो गई है, सपोज सुहागरात भी हो गई, सपोज हमारा एक लड़का भी पैदा हो गया। What? तो फिर लड़की, उसके थोड़ा बड़ा होते ही उसकी स्कूलिंग हम विजयवाड़ा में ही कराएंगे, क्योंकि तुम्हारा शहर है। ओके, हैदराबाद में ही करते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके करियर के मामले में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और उसे मस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे। तुम्हें उसे अमेरिका भेजना है क्या? तो डॉक्टर बनाते हैं इंसानों की जान निकालने के लिए। तो फिर सिंगर, सिंगर चलेगा ना? नो, फिर वो तुम्हारी तरह हो जाएगी। मैन, ठीक है, तुम ही डिसाइड कर लो। लड़कियों को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, लोगों के बीच रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आईएएस आईपीएस ऐसा। वाओ, सुपर, एकदम सही कहा, मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रहा था। स्टडीज के लिए तो डिसीजन ले लिया हमने, लेकिन शादी के मामले में डिसीजन उसे लेने देंगे हम? Are you mad? ऐसे कैसे छोड़ देंगे? शादी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, पता भी है? बच्ची है, वो उसे कैसे पता होगा क्या सही है क्या गलत है? पेरेंट्स होने के नाते हमें देखना चाहिए। मैंने सही कहा ना? माते, सही कहा एकदम तुमने। तुम भी अपनी शादी का डिसीजन अपने पेरेंट्स पर छोड़ दो ना, तुम भी तो बच्ची हो। तो गेम खेल रहे थे ना, अब ये क्या है? चलो टॉपिक बदलो। अरे, वैसे तुम कब लौट रहे हो विजयवाड़ा? मैं क्यों जाऊं विजयवाड़ा, कल बहुत स्पेशल डे है ना। तुम्हें याद है? कैसे भूल सकता हूँ, तुम भी तो आ रही हो ना। वो कहाँ? उस दिन माँ ने बताया था ना, सबने फार्म हाउस जाना है। ओ अच्छा, चलना पड़ेगा, मुझे अवॉइड करके चले जाओ ना। कहानी में नया ट्विस्ट मत लाओ, माँ तुम्हारे आने को लेकर बहुत एक्साइटेड है, अगर तुम नहीं आई तो अपसेट हो जाएंगी वो। क्यों आनंद, क्यों इतनी होप्स बढ़ा के बैठे हो? अगर मैं तुम्हें नो बोलकर दूर चली गई तो तब क्या करोगे?
क्या करूं, दूसरी शादी कर लूंगा, हमारे फार्म हाउस पर उसे ले जाऊंगा। एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर। टेंशन मत लो, मजाक था। तुम मना करोगे तो बहुत दुख होगा, फिर तुम्हारी यादों से बाहर आने के लिए ट्राई करूंगा, उसके बाद मेरी दूसरी लाइफ, दूसरी वाइफ, एडजस्ट हो जाएंगे। एक बात जरूर बोल सकता हूँ, तुम मेरी लाइफ में नहीं आई तो तुम्हारी याद आएगी अक्षरा। Hey, happy birthday. तुम्हें याद था? Thanks. You're welcome. तुम जानते हो ये क्यों नहीं बताया? हर चीज सिर्फ बताई नहीं, एक्सप्रेस भी की जाती है। For you. अच्छा है, पर इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों? तुम जानते हो ना, मैं किसी भी चीज के लिए श्योर नहीं हूँ। ए फॉर आनंद, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तुम वापस ले लो। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, बेसिकली इस आनंद में कुछ मैजिकल बात है जिसमें से कोई भी एस्केप नहीं कर सकता। तुम ए फॉर आनंद में इतनी इन्वॉल्व हो गई हो कि एक और अक्षरा भी याद नहीं क्या तुम्हें? हैप्पी बर्थडे। जो मैंने देखा था सपना वो तू है, मांगो अब कुछ भी ना ज्यादा। राही इतनी है कि चुनना है मुश्किल, मंजिल का रास्ता जानू ना। डर मत पगले तू संग मेरे, अपने कदम तो बड़ा, घर पग तेरे डोले डगमग, तुझको संभालूंगा। डर लगता है जो संग तेरे कदम बढ़ाए। बोन इन द बॉक्स शुरू हो गया है, यानी उस बॉक्स में बोन रहेगा। उस बोन को अपने नाम करने के लिए कानपुर से करीना और सूरत से सुधाकर दोनों लगे हुए हैं। कौन उस बोन को अपने नाम करेगा? पैंट खिसक गई। पैंट तो समझ गई लेकिन बोन मिस हो गया। ये देखो, अब दूसरे दावेदार, दुश्मनों को ढूंढकर खत्म करने वाले, हिम्मत वाले, ताकतवर, शूरवीर, हमारे घर का राजकुमार आनंद। ओके। अब इनके साथ टक्कर देने के लिए हंस की रानी, अरुंधति की बहना, देवसेना का दूसरा नाम, हमारे घर की होने वाली बहू राजकुमारी अक्षरा। हाँ। अक्षरा अक्षरा। अरे अंकल, मुझे ठीक से खेलना नहीं आता। अरे यही तो तेरे खेलने कूदने के दिन है, जा ना बेटा खेल के आ। हाँ, कम ऑन अक्षरा, कम ऑन। अरे बोन अपना ही है, हमारा है। हाँ, चलो अक्षरा, अक्षरा जाओ ना खेलो। अक्षरा बोन इन द बॉक्स, राउंड टू शुरू। कम ऑन आनंद, इस राउंड को तुम्हें ही जीतना है। कम ऑन आनंद, बोन अपना ही है। अरे अक्षरा, अरे
अक्षरा तुम हार ना मान, कम ऑन। फुल कंसंट्रेशन के साथ खेलना वरना हार जाओगे। इम्पॉसिबल, मेरे मैजिक के बारे में पता है ना, विजयवाड़ा का लड़का। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखें, इन आंखों में नशा है। इन आंखों को कोई भी देखकर इनमें डूब जाएगा। राइटर साहब बड़े मस्त मूड में लग रहे हैं, गेम पर ध्यान नहीं है। तुम इंद्रधनुष हो, यू ब्रिंग कलर टू एवरीबॉडीज लाइफ। और ये क्या है, वीडियो दिखाई दे रहा है, ऑडियो गायब है। करो मम्मी। तुम एक डिक्शनरी हो, लाइफ में मीनिंग भर देती हो। अच्छा। तुम एक अलार्म क्लॉक हो, सोते हुए दिल को उठा देती हो। अच्छा, ये सब सच है? सच बोलो। तुम एक समुद्र की लहर हो, जैसे ही नजदीक आती हो दूर चली जाती हो। तुम घिसे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह हो, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, इसी एक बात पर अटकी हुई हो। अब टाइम नहीं चाहिए, बोल देती हूँ। रियली? तुम पॉजिटिवली ही लोगे ना? या प्रॉमिस? प्रॉमिस? तुम हार गए हो। क्या मतलब? तुम्हारे हाथ में मेरी ड्रेस है, बोन तो मेरे हाथ में है। हार गए। देखा आपने? विजयवाड़ा के राजकुमार के कपड़े उतर गए। बेचारा। वाह, मामी यमी। मेरा बच्चा। चलो। पापा आपको अभी देता हूँ। दादी। मीठा खिला के मारेगा क्या? ओके, क्यों नहीं पाई? अरे सिर्फ एक क्या दे रहा है, और देना उसे। अरे बस बस हो गया, इसे खिलाना। लेकिन दादी इस तरह सबके सामने। अरे पप्पी देने के लिए कहा है क्या? आज मीठा नहीं खिलाएगा तो सुहाग रात की रात को। मम्मी। सुहाग रात को गजरा कैसे पहनाएगा? यही बोल रही थी। तो जैसे को ऐसा आइडिया देंगे तो मंगलवार का बहाना। मैं मीठा खिलाने के लिए कह रही थी, खिला देना। चलो। कहाँ पापा? बताता हूँ, रुको, जल्दी भी क्या है। हाय सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गोल्डफिंच, दैट इज योर फ्लैट। थैंक यू। वाह। इधर आओ बेटा। ये है बालकनी, अच्छी है ना? ये है किचन, ये है बेडरूम। अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा। ये क्या है आनंद? तीसरा बेडरूम उस तरफ आएगा माँ, और दो कार की पार्किंग भी है। ये सब क्या है माँ? ए तू रुक बेटी अक्षरा, ये तुम्हारा घर है, तुम इसे बर्थडे गिफ्ट समझ लो, शादी का तोहफा समझ लो, तुम्हारी मर्जी। ये लो बेटा। देखो अक्षरा, शादी के बाद कितना भी करो, लड़की अपने आप को पराए घर का ही समझती है, पर ये तुम्हारा घर है, यहाँ जैसे चाहे वैसे रहो। आनंद और तुम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओ, इसके लिए स्पेस तो चाहिए ना। अब ये सब क्यों आंटी? बिना सास के बहू खुश रहती है ऐसा कहते हैं ना बेटी, इसीलिए ऐसी तैयारी की होगी। मम्मी। ये लो, से ले लो बेटी। लो अक्षरा। अक्षरा अपने हाथों की छाप लगा दो, हमारे घर की लक्ष्मी घर आई है, इस घर को भी तो पता होना चाहिए। जन्नत की खुशियां मलाया तेरे दर पे, सोचे तू फिर भी क्या जाने, जन्म जन्म की सारी खुशियां तह दे तुला दूं मैं, दिल को तसल्ली जो भी दे दे सब कर जाऊं मैं। नाना खुशियों का बाजार। क्या सोच रही है अक्षरा? उस विजय ने कॉल किया, एक बार नहीं 100 बार कॉल किया,
वैसे यहाँ क्या चल रहा है मुझे मासी ने सब बता दिया। एंगेजमेंट हुई लड़की से उसे क्या बात करनी है? देख तू उससे जरा दूर ही रह, वो दोबारा तुझे फंसाना चाहता है। ए, मैं तुझसे बात करी और तू अंदर जा रही है? तेरे कंफ्यूजन से यहाँ फ्यूज उड़ रहे हैं। आनंद ने सिर्फ एक बार गलती की और तू उसे इतना बड़ा पनिशमेंट दे रही है। एक महीने से तूने उसे इतना परेशान करके रखा है, फिर भी वो लड़का हंसते हुए तेरे आगे पीछे घूम रहा है। तुझे कितना प्यार करता है वो मलहम जैसा लड़का है, तू क्यों उसका सरदर्द बनी हुई है? मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी नहीं की, जिससे शादी की वही मेरा बेस्ट फ्रेंड बना। मेरी बात समझ रही है ना? तू उस विजय से बात कर, कोई बात नहीं, पर जो मैंने कहा उसके बारे में सोचना जरूर, बाकी तेरी मर्जी। विजय तुमने कॉल किया था क्या? या तुम दिन भर कहाँ थी? वो विजय एनीवे मैं लंदन जा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट मंथ लौटूंगा। एक बात पूछूं अक्षरा, क्या डिसाइड किया तुमने? बस एक बार हाँ बोल दो, आई विल कम बैक टू यू। विजय अपना डिसीजन मेरी वजह से मत बदलना अक्षरा, वैसे भी मैं तो जा ही रहा हूँ, तुम आराम से डिसाइड कर लो, तुम चाहे जो डिसीजन लो आई स्टिल कीप लविंग यू। वन थिंग अक्षरा, अगर शादी के लिए राय बदलती हो तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा एयरपोर्ट पर। इन केस यू कांट मेक इट, तुमसे वैसे ही प्यार करता रहूंगा टिल आई डाई, बी हैप्पी, बाय। हाँ पुष्पा, संगीत के लिए साड़ीज और ब्लाउजेस रेडी हो गए? 1, 2, 3। आज मैं तुम्हें कुछ और साड़ियाँ भिजवा रही हूँ, थोड़ा जल्दी तैयार कर देना ना प्लीज। अरे नहीं, अक्षरा ने अभी तक सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्ट करते ही तुम्हें भिजवा दूंगी। ओके थैंक यू। अक्षरा क्या डिसाइड किया तूने? अक्षरा क्या डिसाइड किया तूने? वही डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, कब से यही सोच रही हूँ। तो जल्दी डिसाइड कर लेना, उसे लेस और एम्ब्रॉयडरी डिजाइन करने के लिए टाइम लग जाएगा ना। मासी साड़ियों के बारे में नहीं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रही हूँ। ज्यादा छीलने से पेंसिल भी खत्म हो जाती है अक्षरा, तो बहुत ज्यादा सोच रही है। ऐसी अगर सोचती रहेगी ना तो मेरी तरह सिंगल रह जाएगी तू भी। उसमें गलत क्या है? लड़की हो तो कंपल्सरी है शादी करना, मैंने आपको तो कभी भी दुखी होते नहीं देखा, मैं आपकी तरह नहीं रह सकती। तो तेरी माँ ने शादी नहीं की है क्या? उन्हें कभी दुखी होते हुए देखा है? वैसे मैं हैप्पी हूँ या नहीं ये तुझे कैसे पता? मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुखी नहीं हूँ। पति के रहने से भरोसा मिलता है और बच्चों से मिलती है खुशी। आई थिंक दैट इज लाइफ, आई मिस्ड इट, प्लीज यू डोंट मिस इट। आनंद की मम्मी का फोन आ रहा है, आंसर कर। पर क्या टेंशन है, बात तो कर। हेलो हेलो अक्षरा, बिजी हो क्या बेटा, डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं आंटी बोलिए। कुछ नहीं अक्षरा, शादी नजदीक आ रही है ना, अभी तक मंगलसूत्र नहीं खरीदा हमने, कल हैदराबाद जा रहे हैं, वहीं से मंगलसूत्र ले लेंगे, तुम भी हमारे साथ चलती। हेलो हेलो हेलो, कट गया क्या? हेलो नहीं आंटी, सुनाई दे रहा है मुझे। अच्छा बेटा, कल मंगलसूत्र खरीदने के लिए हैदराबाद जा रहे हैं, मंगलसूत्र अपनी पसंद का ले लो। ठीक है ना बेटा? अक्षरा ओके बेटा? ओके ओके अक्षरा, तो फोन रखूं? क्या हुआ? मंगलसूत्र खरीदने के लिए आ रहे हैं। मंगलसूत्र खरीदना तो कितनी बड़ी बात होती है ना, ये लोग सब कुछ अपने ही हिसाब से करे जा रहे हैं। मैं ही... अक्षरा तू नहीं जाएगी बोल दे, रोज रोज दुखी होने से अच्छा है एक बार बिना डरे सबको दुखी करते, एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी। ये कैसा है? Not okay. कुछ और ट्राई करो। Okay. हाँ, ये फर्स्ट क्लास है। मुझे वो दिखाना।
थैंक यू। वाओ, बहुत सारे डिजाइन्स हैं। इनमें से कोई ट्राई करो, अच्छा लगे तो सिलेक्ट कर लेना। आपको कौन सा पसंद आया आंटी? सारे डिजाइन्स अच्छे हैं, तुम्हें ही डिसाइड करना होगा। आंटी मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। सिर्फ तुम ही नहीं बेटा, आजकल की किसी भी लड़की को इनके बारे में नहीं पता। जब इसकी कीमत समझ जाओगी तो इसे गले में नहीं अपने दिल में रखोगी। आंटी यहाँ आइए, ये नेकलेस देखिए। हाँ बस आई, तुम सिलेक्ट कर लेना। हाँ ये कैसा आंटी, बहुत सुंदर है ना? बहुत सुंदर है ये तो। भारी हो गया होगा ना, मंगलसूत्र का पावर ही ऐसा है, फॉर्मूला ऑफ गुडनेस। बहुत थैंक्स अक्षरा, मुझे लगा तुम नहीं आओगी, गलत साबित होकर अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी। मैंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है आनंद, तो आई क्यों? आंटी को मना नहीं कर पाई आनंद। अक्षरा तुम क्या कर रही हो जानती भी हो? तुम शादी नहीं करना चाहती फिर भी मंगलसूत्र चुन रही हो अक्षरा? बहुत बड़ी गलती कर रही हो अक्षरा। को तो ना ही शर्म है और ना ही डर, माँ बाप के बारे में तो सोचती भी नहीं है। सोचेंगे भी क्यों, माँ बाप के प्यार ने इन्हें बिगाड़ जो दिया है। अगर लड़का पसंद नहीं है तो रात भर पार्टी के लिए क्लब में क्यों जाते हैं? हमने कहा है क्या जाने को? अब शादी की तैयारियों के लिए पैसे खर्च करके शॉपिंग करते हैं, सोना और जेवर खरीदते हैं, एंगेजमेंट कर लेते हैं और मंगलसूत्र भी खरीद लेते हैं। शादी के कार्ड दे देने के बाद पापा मुझे ये लड़का पसंद नहीं, दूसरा लड़का पसंद है बोल के पलट जाते हैं। अरे रे 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 रे, ये लड़कियां है या जंगल के बंदरिया, एक पेड़ पसंद नहीं आया तो दूसरे पर छलांग मारती है। अब अगर लड़की को लड़का अच्छा नहीं लगा तो कोई क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो मुझसे तो ऐसी बातें करो ही मत। तुम लोग ऐसी बातें करते हो तभी वो ऐसी बन गई। रात भर घूमते हुए उसे समझ नहीं आया भाई साहब कि लड़का उसे पसंद नहीं है? एंगेजमेंट रिंग पहनते वक्त उसे समझ नहीं आया क्या कि लड़का उसे पसंद नहीं? हे राम, जब सब कुछ हो गया तब उसे समझ में आया ना? हाँ बुआ, तू तो बोली मत, पसंद नहीं था तो पहले ही बोल देती। बेवकूफ बनाकर इतने लोगों को परेशान करने की क्या जरूरत थी? आपको कैसे पता चला? कैसे पता चलेगा, हाँ लड़के वालों ने फोन किया तो पता चला। शर्म के मारे मेरी नजरें झुक गई भाभी, बोलती भी क्या? शादी से एक घंटे पहले मुझे बोलती है ये शादी पसंद नहीं। ऐसी बात कहने से पहले किसी के आगे पीछे सोचते नहीं है क्या ये लोग? आप किसके बारे में बात कर रही हैं? और किसके बारे में अक्षरा? शादी में तिरुपति गए थे ना, वहाँ उस लड़की ने ये साम नाटक करके सबकी नाक कटवा दी। वैसे भी उस लड़की को हम क्या बोले, उसको लाड प्यार से पालने वाले उसके माँ बाप बोलेंगे ना। आज तक हम भगवान से यही मांगते थे कि हमारी बेटी किसी के प्यार में ना पड़े, और अब जिस लड़के से हमारी बेटी प्यार करती है उसी लड़के से उसकी शादी हो, भगवान से यही मांगना पड़ रहा है। लो, थैंक यू। अब क्या है, ले ली ना? एक बार अक्षरा को बुला के बात कर लेते हैं। किस बारे में? अरे वही जी, बाहर जो बातें हो रही थी उन्हें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको विजय और अक्षरा के बारे में पता है ना, वो दोनों फिर से साथ में काम कर रहे हैं, आजकल कुछ भी हो सकता है जी, एक बार उसे बुलाकर पूछ लीजिए ना। हमने जो फ्रीडम दी है ना,
हमारे पूछने पर बताने के लिए नहीं, अगर कोई बात हुई है तो हमारे बिना पूछे ही वो आकर हमें बताएगी, इसलिए। समझ गए? ऐसी बात नहीं है जी, शादी बहुत बड़ी चीज है ना, शायद इसीलिए हमसे बात करने से डर रही हो। मैंने उसके चेहरे पे अजीब सी बेचैनी देखी है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। वो मेरी बेटी है, अगर कुछ बात होती तो वो आकर हमें जरूर बताती, वैसे भी हमारी अक्षरा हमारा सर झुकने नहीं देगी, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। ए, अब तक तुम लोग बांध ही रहे हो, शादी के लिए अब ज्यादा समय नहीं है, इसे पूरा करना है ये पूरा बॉर्डर। अरे आनंद, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? कुछ नहीं पापा। देख मैं जो पूछ रहा हूँ सच सच बताना, सिक्सर मारा या नहीं? मारा कि नहीं? मैंने तो शॉट खेल लिया पापा, बॉल तो हवा में है, बाउंड्री के बाहर गिरा तो सिक्स, अंदर गिरा तो कैच। सिक्स मारा तो हैप्पी, कैच मारा तो बीपी? बीपी, बी पॉजिटिव पापा। ए तू धोनी के जैसा कूल कैसे हो सकता है? अगर मैच जीतना है तो वैसे ही रहना होगा ना। ये तो प्रेशर कुकर के जैसा है, अंदर उबल रहा होगा और बाहर सीटी बजा रहा है, पक क्या रहा है? नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? अरे आने, आइए आइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ये देखो, ये देखो, सुंदर है ना? ये देखो ना। हाँ भाभी, इतने सारे जेवर देख के ना मुझे तो मेरी शादी की याद आ रही है। अरे तू भी अच्छी लग रही है, तुम्हें लता? हाँ, साड़ियों में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। हे गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग। और आंटी तैयारियां कैसी हैं? बहुत सुंदर है बेटा, पूरा घर मंडप जैसा सुंदर लग रहा है। ओके। वैसे आनंद, ये मेरा भाई दामोदर, विजयवाड़ा में ही रहता है। ओह दामोदर जी, आप ही है ना? अक्षरा आपके बारे में बहुत बात करती है। आनंद, तुम्हारे बारे में भी बहुत सुना है, गाने शायरी और कविताएं बहुत अच्छी लिखते हो, तो क्या हमें कुछ सुनने को मिलेगा? अरे नहीं नहीं, मैं शायरी के मूड में नहीं हूँ अंकल, मेरा कॉन्सेंट्रेशन तो अक्षरा पर है। आनंद, अब तुम हमारे बीच आ ही गए हो तो एक कविता सुना दो। ओके, इस बार This time for a change, कविताएं आप सब लोग सुनाएंगे। हमें तो कुछ नहीं आता। Come on, let's do it. Okay, ठीक है। शुरू करते हैं। इसमें आप सब का नाम है। इसमें जिसका नाम आएगा, उसे कविता बोलनी पड़ेगी। टॉपिक मैं दूंगा, हाँ? वो, लवीना। अरे मैं ही पहले क्यों बोलूँ? अच्छा बोलो। ओके, टॉपिक, सुई धागा। सुई धागा, हाँ। लड़की सुई जैसी, मर्द है धागे जैसा। हाँ। बिना धागे के सुई क्या करेगी? जगह जगह चुभती रहेगी। जीवन भर चुभती रहेगी। लेकिन सुई धागा मिल जाए तो शर्ट का बटन लगाया जा सकता है। अच्छा। साड़ी का ब्लाउज सिल सकते हैं। फूल से हार बन सकता है। पति ज्यादा बोले तो उसका मुंह भी सिल सकते हैं। अंकल, टॉपिक, पति और पत्नी। पति और पत्नी, पति पत्नी, पत्नी। उसे पति का बैकबोन बनकर रहना चाहिए, बैक पेन नहीं बनना चाहिए। पति घर का भरोसेमंद बनकर रहना चाहिए, गुलाम नहीं बनना चाहिए। पत्नी पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, उसे नौकरानी की तरह नहीं देखना चाहिए। पति व्हाट्सएप में फालतू जोक्स फॉरवर्ड करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि पत्नी को हाउ आर यू डार्लिंग कहकर अपनी फीलिंग शेयर करने वाला होना चाहिए। फाइनल है? फाइनल है। पति पत्नी को कॉफी में शुगर की तरह होना चाहिए, बॉडी में शुगर की तरह नहीं होना चाहिए। आंटी आप निकालिए। नीरजा। हाथ का टॉपिक, छाता झगड़ा। बारिश में छाता चाहिए, समुंदर में नाव चाहिए। प्यार में झगड़े जरूरी है, उसे समझने के लिए अच्छा सा दिल चाहिए।
समझ नहीं पाए तो लाइफ बेकार है। अक्षरा। ओके। दारू सोडा। आनंद लच्छू माचा। ए अक्षरा शर्माओ मत यार, हम दोनों अलग अलग तो नहीं है ना। तुम्हारे बदले में मैं बोल दूं क्या? कैन आई? हाँ हाँ बोलो बोलो। दारू सोडा। दारू अगर ग्लास में जाए तो साइलेंट हो जाती है, अगर सोडा पड़ जाए तो वायलेंट हो जाएगी। हम हमेशा दारू सोडे के बारे में ही बात करते हैं, पर उनको मिलाने वाले ग्लास को कोई नहीं पूछता। सही बोला। ग्लास जैसे दारू और सोडे को मिलाता है, वैसे ही शादी एक लड़के और लड़की को मिलाती है। शादी का मतलब जिसके साथ जी सकते हैं उसके साथ करना नहीं, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं उसे शादी कहते हैं। हजारों आशाएं, कई पसंद, लाखों सोच, करोड़ों ख्वाहिशों से होती है वेडिंग, जैसे हमारी हैप्पी वेडिंग। आनंद, बस दो दिन बचे हैं फिर तेरी शादी हो जाएगी। जानता हूँ माँ। तुमसे एक बात कहूँ बेटा? शादी होते ही तुम घर छोड़कर तुरंत मत चले जाना बेटा, क्योंकि हमें अक्षरा की आदत हो चुकी है, अब शादी के बाद उससे अलग होने का मन ही नहीं हो रहा। हमेशा से चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो, और अब अक्षरा के आने से वो कमी पूरी हो गई। माँ क्यों माँ, अक्षरा को लेकर इतना इमोशनल मत हो, वो हर दिन एक जैसी नहीं रहती। ए, ये क्या बोल रहा है? हाँ अक्षरा बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझे बेहद पसंद है। जैसे तू मेरे लिए है वैसे अक्षरा भी है, जैसे तेरे बिना दिल नहीं लगता वैसे अक्षरा के बिना भी नहीं लगता। शादी के बाद उसे अपने घर वालों को छोड़कर आना पड़ेगा, ये सोचकर मुझे चिंता हो रही है। तुम कितनी अच्छी हो ये तुम्हें भी नहीं पता माँ, मुझे आप जैसी माँ और उसे आप जैसी सास मिलना बहुत मुश्किल है माँ। अरे अक्षरा जैसी बहू पाकर कोई भी सास ऐसा ही कहेगी। मेरे बेटे का जिंदगी भर साथ देने वाली लड़की को इतना प्यार करना तो बनता है ना। भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है, अब शादी की सारी रस्में बिना किसी रुकावट के हो जाएं तो अच्छा होगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर्सनल है। इन्हें सब पता है, इनके सामने बोल सकते हो। ग्रेट, सो बोलो। मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं? मुझे जवाब चाहिए, क्या डिसाइड किया है और दो दिन में हमारी शादी है। अरे यहां चल क्या रहा है? मेहंदी लगा रही हो, साड़ियां ले रही हो, मंगलसूत्र खरीद रही हो, तुम विजयवाड़ा क्यों आई फिर? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें ये शादी नहीं करनी ना, राइट? तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है ना? आनंद। क्या आनंद? तुम क्या कर रही हो तुम्हें अंदाजा नहीं है ना? हमारी दोनों की फैमिलीज इस शादी को लेकर कितना खुश है ये देख रही हो ना? देखो शादी का मतलब शॉपिंग करना, वेडिंग हॉल बुक करना नहीं है, दो फैमिलीज के बीच के इमोशंस हैं। अगर उन्हें पता लगा कि तुम तैयार नहीं हो, जानती हो उन सब का क्या होगा? एक मिनट रुको, ये हमारी लाइफ है, हमारे पेरेंट्स की लाइफ नहीं है। हमारी प्रॉब्लम्स को हमें ही सॉल्व करना होगा। ऑफ कोर्स, तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो साफ ना बोल दो। बीच में ये हाइड एंड सीक किस लिए? समझ रही हो या नहीं? देखो कैसे चिल्ला रहे हो, अब से पहले तुम कभी ऐसे नहीं थे। रियल पर्सनालिटी अब बाहर आ रही है। आई नो, इंसान सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। एक बार हम किसी से प्यार करते हैं, किसी सिचुएशन में हम उनके लिए जीना चाहते हैं, तो किसी सिचुएशन में मरना चाहते हैं। वी कीप चेंजिंग।
वैसे भी इंसान क्या सॉल्ट या शुगर है जो हमेशा एक ही टेस्ट का रहता है? हाँ? अगर तुम ये नहीं समझी तो ये तुम्हारी गलती है। गलती तुम्हारी, मेरे पेरेंट्स सफर करें, ये नहीं चलेगा अक्षरा। देखो, कल जब हमारी शादी हो रही होगी, मुझे शादी पसंद नहीं, मैंने डिसाइड ही नहीं किया। यही करोगी ना आनंद? एक बार मेरी पोजीशन में आकर तो सोचो, एक लड़की अपने घर वालों को छोड़कर पराए घर में कैसे रह सकती है, सोच कर तो देखो। चुप करो। इस पूरी दुनिया में क्या तुम अकेली शादी कर रही हो? बोलो, हाँ? क्या लगता है तुम्हें, हम लड़कों को कोई टेंशन्स नहीं होते? बस लड़कियों को ही टेंशन्स होते हैं। एक बार हमारी पोजीशन में आकर सोचना, शादी होने के बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारे पेरेंट्स को मैं आंसरेबल हूँ। पूरी सोसाइटी क्वेश्चन उठाएगी हम पर। हमें क्या पता कैसी लड़की हमारे घर आने वाली है, हमारी फैमिली के साथ एडजस्ट होगी या नहीं, हा? हम जैसी रहेगी कि नहीं, अच्छी होगी या बुरी, या तुम्हारे जैसी पागल होगी, ऐसे लाखों सवालों में, करोड़ों टेंशन में। एक बार सोच कर देखो अक्षरा, अभी जैसा तुम बिहेव कर रही हो, मैं भी वैसा ही करता तो? बोलो क्या करती, क्या करती तुम? तुम बस अपने बारे में सोच रही हो। एक बार मेरे बारे में आंखें बंद करके सोचो, तब तुम्हें समझ आएगा इस दिल में कितना दर्द हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स से मैं बात करूं कि तुम्हें शादी नहीं करनी। अरे क्या, डरा रहे हो क्या, या प्रेशराइज कर रहे हो मुझे? प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं अक्षरा, यू बिहेविंग लाइक अ फूल, मैं बता रहा हूं। हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं अक्षरा, हमारी गेम के हम दोनों पार्टनर्स हैं, अगर ये खेल खेलना ही है तो दोनों खेलेंगे। एंड इफ यू डोंट वांट टू प्ले दिस गेम, यू कैन लीव। Leave right now. Okay. Decide तो कर ही लिया तुमने। तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लो, मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगा कि ये शादी नहीं होगी। अक्षरा, इसकी गलती के लिए मैं माफी मांगता हूं बेटा। अरे नहीं नहीं अंकल, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप सॉरी मत बोलिए। हमारी गलती नहीं होगी, पर हमारी बेटी ने गलती की है ना। नहीं आंटी, एक्चुअली उसकी गलती भी नहीं है, उसने कहा था नहीं करते शादी, यहीं रोक देते हैं। गलती मेरी भी है, उसके मना करने के बाद भी मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि जो भी हो मैं उसे अपना बना लूंगा, सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ नहीं। सुनिए जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मैं किस मुंह से बोलूं? जब अपने लोग जिंदगी से दूर हो जाते हैं तो उस फीलिंग को आखिर कितने लोग हैं जो समझ पाते हैं इस अकेले के अलावा? आप ये क्या बोल रहे हैं, सब उसकी मर्जी है, सब उसी के हिसाब से होगा, और हम क्यों, आखिर हम उसकी सारी बातें क्यों माने? मतलब मेरे घर के लोग, मेरे समाज के लोग क्या समझेंगे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी बेटी क्या चाहती है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आनंद, उसने जो फैसला किया है वो गलत है या सही मुझे नहीं पता, पर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो अपने लिए चाहे जो भी फैसला ले, वो फैसला मेरे लिए आखिरी होगा। अगर वो गलत भी है तो भी मैं उसे ही सपोर्ट करूंगा।
पर तुम्हारी तरफ से मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ बेटा। तुम्हारे घर आकर तुम्हारे घर वालों से माफी मांग लूंगा। नहीं अंकल, आप मेरे घर मत आना। मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लूंगा, उन्हें जो बताना चाहिए मैं खुद बता दूंगा। आप जल्दी यहां से हैदराबाद चले जाइए अंकल, प्लीज। क्योंकि ये बात पता चलने के बाद कोई भी आप पर उंगली नहीं उठाना चाहिए अंकल। ऐसा हुआ तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत दुख होगा। आप सभी बहुत अच्छे हैं अंकल, प्लीज चले जाइए अंकल, प्लीज अंकल प्लीज। आप बड़े हैं, क्या आपको पता है फ्यूचर में हमारी एक लड़की। फ्यूचर में अगर मुझे बेटी पैदा हुई और वो भी ऐसा ही डिसीजन लेती, यकीन मानिए अंकल मैं उसे ही सपोर्ट करता। आपने सही कहा, शादी से ज्यादा जिंदगी इंपॉर्टेंट है। पर एक रिक्वेस्ट है अंकल, मेरे यहां से जाने के बाद अक्षरा को कुछ मत कहना प्लीज अंकल। हमें हैदराबाद के लिए निकलना होगा। अक्षरा तुम क्यों आई हो? एक मिनट में बात कर सकती हूँ क्या? मेरी बात मानो, यहाँ से चली जाओ। बस एक मिनट आनंद। आपसे आनंद ने बता ही दिया होगा कि ये शादी नहीं हो रही है। हमारे हैदराबाद निकलने से पहले आप सभी से बात करनी थी मुझे। मुझे ठीक से याद नहीं है हमारी एंगेजमेंट के बाद से मैंने जिस आनंद से प्यार किया लगा ये वो नहीं है। ऐसा लगा वो बिल्कुल बदल गया है। मुझे एक स्टेज पर बहुत डर लगने लगा। कल शादी के बाद ये और ज्यादा बदल गया तो मेरा क्या होगा, मैं सोचने लगी। इसीलिए शादी से विड्रॉ करना चाहती थी। गलती हो गई, क्योंकि लाइफ में जब हम कुछ बुरा एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके बाद बहुत ज्यादा संभल कर रहने लगते हैं। उसी टाइम हमारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है और कंफ्यूजन की वजह से इनसिक्योरिटी होती है। मेरे साथ भी वही हुआ। दादी, आपको पता है आपका पोता एक होपलेस फेलो है। ही इज टू मच। अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है। वो गलती के बाद लोगों को माफ करने की बात करता है। दूसरे लोग गलती करके बड़े आराम से वेट करते रहते हैं, कूल रहते हैं, काम रहते हैं। वो लोग मुझ जैसी इनडिसाइसिव कंफ्यूजन वाली लड़की को भी चांस दिया इसने। बहुत पेशेंस के साथ वेट किया। उस वक्त मैंने क्या किया पता है दादी? मैं इसकी सिर्फ गलतियों के बारे में ही सोचती रही हमेशा, पर वो मेरे बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में, हमारे होने वाले बच्चों के बारे में सोचता रहा। वो बहुत पॉजिटिव है। कल आनंद ने मुझसे एक बात कही, एक बार मेरी पोजीशन में रहकर सोचो अक्षरा। मैंने सोचा
उसके बाद एक मिनट भी नहीं रह पाई। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया। एक पिता अपनी बेटी को हमेशा सपोर्ट करता है, वो जायज भी है, पर वो क्यों मुझे सपोर्ट करता रहा? क्यों मुझे चांस पे चांस देता रहा? मेरे इतने टॉर्चर करने के बाद भी वो क्यों सहता रहा? यहाँ तक कि कल भी मेरी गलती होने के बाद भी वो क्यों मेरे पापा के सामने मुझे सपोर्ट कर रहा था? इतना अच्छा लड़का मुझे दोबारा कैसे मिलेगा? अगर मेरी गलती भी होती है तो मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना तुम? मुझे अपने दिल में रखकर संभालोगे? मैंने बहुत हर्ट किया ना तुम्हें? तुमने बहुत पहले मुझसे कहा था दोनों के बीच प्यार शुरू होने के बाद उनके बीच कितने भी झगड़े हो जाए उन्हें भूल जाना चाहिए। हमारे बीच भी झगड़े हुए हैं, क्या तुम उन्हें भूल सकते हो आनंद? प्लीज मुझे माफ करोगे ना? मैं तुम्हारी जितनी बड़ी राइटर तो नहीं हूं, पर मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं बोलूंगी। चिड़ियों के चहकने से आवाजें जरूर आ सकती हैं, पर हमारे बीच का ये सन्नाटा संगीत है। मैं बात हो सकती हूँ आनंद, पर तुम एक सुंदर सा गीत हो। मैं एक सपना हो सकती हूँ, पर तुम आंखों के सामने दिखाई देने वाला सच हो। सही कहा था, मैं अटकी हुई टेप रिकॉर्डर ही हूँ। हमेशा आई लव यू आई लव यू आई लव यू ही बोलती रहूंगी। विल यू मैरी मी आनंद? सच है हाँ इस पल में यार।